सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। भी उम्र लग जाए हीप तो पड़ गई होगी ना आपके कलेजे में ठंडक। आपका रुतबा और आपकी पगड़ी दोनों खूब ऊंचे हो गए होंगे आज तो। जिसने आप आज तक मेरा बेटा कहते नहीं था क्या करते, वो आज आपके कारण अंदर पड़ा मुंह तल रहा है। देखो शहर, मैं समझ रहा हूं तेरे मन का हाल, पर मारे पे भरोसा रख। जब तक मैं जिंदा हूं ना, अपने राजवीर ने कुछ नहीं होना दूंगा। देखिए कर लोगे आप, भगवान ने आपकी बात ना मानी तो उसने भी बंदूक दिखा के जान वापस मांग लोगे मेरे छोरे की। अगर आज राजवीर बच भी गया ना तो कौन से बदल लोगे आप अपने आप ने? ना तो आप अपनी बंदूक छोड़ो और ना अपनी जिद। और जब तक ये दोनों आपके साथ हैं, ये सारी बातें होती रहेंगी हमारे घर में। समझ गया हाँ? और देख भी रहा हूं होशियार कि आज तू अपने बड़े भाई से कैसे बातें कर रहा है। सिर्फ इसलिए ना कि राजवीर तेरा बेटा है, मारा तो कुछ लगे ही ना। ना बात मेरे और आपके बेटे की नहीं है। अगर राजवीर की जगह आज हिम्मत होता ना तो भी मैं आप तो यो ये बात करता। भाई साहब, इस दुनिया में हर आदमी की अपनी एक अलग सोच है, पर हाँ आप तो यो चाहो कि सारी दुनिया आपकी जुबान बोल रहे, आपके तरीके तक सोच जाए, आपके नक्शे कदम पर चले। अगर कोई आपके खिलाफ एक सांस भी ले लेना तो आप उसने अपना दुश्मन समझने लग जाओ, चाहे फिर वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो। मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं। तो उठा लो फिर बंदूक, याद दिला दो मने मेरी छाती में गोली चला के। क्यों ये तरीका है ना आपका अपनी बात लोग का तमन मान का? क्या गलती कर दी थी हिम्मत ने? अगर वो अपनी लुगाई ने अपने घर में लिया है, उसने तो एक बार शराब पी थी, पर आपके अपनी जिद का नशा बरसाता है। बजाए गोली बंदूक के एक बार प्यार तो उसके कंधे पर हाथ रख के उससे बात कर लेते या उसकी जिद को एक बार मान लेते तो कौन सी मूंछ नीचे हो जाती आपकी? प्यार की भाषा नहीं समझा है वो। उस नालायक और बेवकूफ के लिए तो इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं,
उसका बाप है बाप। दोस्ती वाला काम भी कौन सा करा था आपने? सही टाइम पे अगर सफेद झंडा दिखा देना तो दो देशा की जंग रुक जाए, फिर वो तो आपका अपना कौन सा है। पर आपके जानो प्यार क्यों, आपके कारण आज दो भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हिम्मत देखना भी नहीं चाहता राजवीर ने, और इसमें गलती ना हिम्मत की है और ना राजवीर की, गलती से आपकी। अरे राजवीर का क्या हाल है? गोली तो निकल गई है लेकिन खून काफी बह चुका है। डॉक्टर साहब बड़ा खून ले लो सारा, पर बारे चोरे ना बचा लो। देखिए जब तक पेशेंट को होश नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोगों की परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग इतना चिल्ला कर बातें करेंगे तो मेरे दूसरे पेशेंट को परेशानी होगी। सो प्लीज आप लोग जरा इस बात का ध्यान दीजिए। हाँ बाबू। अरे होशियार, अरे कितना बेटा तू? अस्पताल में। अस्पताल में? अरे तो राजवीर का क्या हाल था बेटा? गोली निकाल दी है डॉक्टर ने, पर होश नहीं आया अभी तक राजवीर ने। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा है, अच्छा होगा बापू। अरे तो यो ही बात आके अपनी लुगाई ने बता दे, उसने तो रो रो के पूरा घर भर दिया सर। मैं आ रहा हूँ बापू। अरे चंचल चिंता की बात ना सर, डॉक्टर ने राजवीर की गोली निकाल दी सर। राजवीर की गोली निकाल दी। पुत्र पहले तू रोना बंद कर, रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, प्लीज। मुझे राजवीर की चिंता है डैड, मुझे उससे मिलना है, पता नहीं उसकी कंडीशन इम्प्रूव हुई भी है या नहीं। पुत्र तूने ही मुझसे कहा कि गोली निकाल दी गई है तो कंडीशन तो इम्प्रूव होनी है ना। देख हमारे राजवीर को कुछ नहीं होने वाला, तू बस अपना ध्यान रख। हाँ मैं आराम से तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन कैसे पता लगाऊं? हाँ करना खन्ना साहब, आपा दापी में फोन न करना भूल गया। आपने सिम्मी तक खबर तो मिल गई होगी आपने? हाँ मुझे सब पता है, मुझे खबर मिल गई है कि कैसे नए बहू के घर पे आते ही घर वाले एक दूसरे पर गोलियां चला रहे, और हद तो इस बात की है कि राजवीर वहां हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा है और मेरी बेटी सिम्मी उसे वहां जाने से और मिलने से रोका जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा किस स्त्री आपको समझाऊं, पता ना क्या हो गया अचानक घनी चिंता में डाल दिया छोरे ने। लेकिन इस बात का भी गर्व है कि अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत की जान बचा ली उसने। यो सब तो एक होनी थी खन्ना साहब। रही बात सिम्मी की तो वो आपकी नहीं मेरी बेटी है, उसकी चिंता मत करा करो आप, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा खन्ना साहब।
बस भरोसा करो आप मेरा। रानू मैंने अस्पताल ले जा, मैंने मिलना है उनसे। भाभी आप समझ क्यों ना रही, अगर ऐसा हो सकता तो मैं आपने कदे इनकार ना करती, अपने साथ ले चलती आपने। और भाभी ये बात आपने मन ने तो कह दी, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करूं किसी और से इस बात का जिक्र तक ना करना, वरना बवाल हो जाएगा इस घर में। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं हॉस्पिटल जाके रहूंगी। ऐसा ये